आपके पास मेरे बचपन की कोई फोटो या फिर मेरी माँ की कोई फोटो है क्या? माँ, मुझे उनको देखने का बहुत मन करता है। मेरे पास नहीं है तेरे बचपन की कोई फोटो ना तेरी माँ की कोई फोटो। मैंने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारी फोटो संभालने का। चल जा, अभी यहाँ से आ जाती है। दर्शिका, दर्शिका, इधर आ, जल्दी आ। हाँ बोल। दर्शिका, मैं जानती हूँ मेरी मम्मा तुझसे प्यार नहीं करती, पर मेरे पास तेरे मम्मा की तो कोई फोटो नहीं है, पर तेरे बचपन की एक फोटो है मेरे पास, देखना चाहेगी? हाँ हाँ, ला, दिखा दिखा। ये ले, इसे बहुत संभाल के रखा था मैंने। देख, ये मैं हूँ, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना। हाँ दर्शिका, तू बचपन में बहुत सुंदर थी। देख मिस्टी, पापा ने कितने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा है। हाँ दर्शिका, पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। काश मेरी मम्मा भी होती, उन्हें बहुत याद करती हूँ मैं। दोस्तों, आपको मेरी बचपन की फोटो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। मिस्टी, तूने अपने लिए कुछ मंगाया है क्या? इसमें तो मेरा और मेरी मम्मा का कॉम्बो सेट आया है। तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं मंगाया है। ए दर्शिका, तू जा यहाँ से, तू कोई मेरी खास बहन नहीं है जो तेरे लिए भी मंगाती मैं। मिस्टी, हमारा पार्सल आ गया है क्या? मैंने हम दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज मंगाई है, चलो इसे खोल कर देखते हैं हम। मम्मा, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसे खोलने के लिए, चलो हम खोलते हैं। वाओ मिस्टी, इसमें तो कितनी सुंदर हम दोनों के एक जैसी फ्रॉक आई है। मम्मा, हम दोनों तो सेम सेम हो गए। हाँ दर्शिका, सही बोल रही हो आप दोनों बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। ए, तू अभी तक यहीं खड़ी हुई है? जा जाके काम कर ले, किचन में कितना सारा काम पड़ा हुआ है, हमें नजर मत लगा। आज मैं पूरी किचन की सफाई कर देती हूँ, मम्मा देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। ओह नो, ये तो पूरा ही टूट गया। एक काम करती हूँ, दर्शिका पर इल्जाम लगा देती हूँ। दर्शिका, जरा इधर आना, तुझे एक चीज दिखानी है। हाँ बोल। दर्शिका, मुझसे ये कप टूट गया, तू इसे डस्टबिन में फेंक देगी? हाँ, तू अंदर जा, मैं फेंक दूंगी। हे भगवान, आज एक कप और तोड़ दिया फिर से तूने। नहीं नहीं माँ, मैंने इसे नहीं तोड़ा, मिस्टी ने तोड़ा है, मैं तो बस भर के फेंक रही थी। मम्मा बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये मैंने नहीं तोड़ा है, इसी ने तोड़ा है। मिस्टी तो बोल ना, तूने तोड़ा है। मुझे पता है तूने ही तोड़ा है और उस पर इल्जाम लगा रही है, तेरी तो पिटाई लगाऊंगी। माँ, आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है ना, मेरे दोस्त आपको बता देंगे कि किसने तोड़ा है इसे। अच्छा, तो तेरे दोस्त बताएंगे मुझे, मैं भी देखती हूँ क्या बताते हैं। दर्शिका, तो जल्दी से ठीक हो जा, तुझे पता है ना कल से हमारे एग्जाम है। पता नहीं मिस्टी, मैं कब ठीक होंगी, एग्जाम की चिंता तो मुझे भी हो रही है। चल तू जल्दी से ठीक हो जा, मैं पढ़ने जा रही हूँ। हे माता रानी, मुझे जल्दी से ठीक कर दो ना, कल से मेरे एग्जाम है, प्लीज प्लीज प्लीज। दर्शिका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये तो माता की आवाज थी। माँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप कहाँ हो? माँ मेरे सामने आओ प्लीज। बोलो दर्शिका, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम जब चाहो तब मुझसे मिल सकती हो। माँ, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, कल तक एग्जाम देने जा पाऊंगी? हाँ दर्शिका, कल तुम एग्जाम देने जा पाओगी। माँ, मुझे आपसे फिर कभी मिलना हो तो मैं कैसे बुलाऊंगी आपको? दर्शिका, जब भी तुम मुझे आँख बंद करके याद करोगी मैं आ जाऊंगी। ठीक है माँ, जल्दी जल्दी कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद मैं भी खेलूंगी। दर्शिका, तू यहाँ कपड़े डाल रही है और मैंने तुझे पूरे घर में देख लिया, चल खेलेंगे। माँ ने बोला है कि पहले पूरे कपड़े डाल, उसके बाद बर्तन मार, उसके बाद तू खेलने जा पाएगी, बता मैं क्या करूँ? माँ तो पागल हो गई है, खुद तो कोई काम करती नहीं है, तुझसे पूरे घर का काम करवाना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं काम करके आ जाऊंगी, तू जा। चल मैं भी तेरे साथ डलवा लेती हूँ, जल्दी जल्दी दोनों मिलकर काम कर लेंगे फिर खेलेंगे। दर्शिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर जाके पढ़ाई करो या फिर खेलो, यहाँ इसकी हेल्प कराई तो बहुत मारूंगी तुम्हें, चलो। मम्मा, एक तो आप उससे सारे घर के काम करवाती हो, ऊपर से किसी को मदद भी नहीं करने देती हो, आप बहुत गंदी हो। मम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो छोटी है। दर्शिका तू जा ना, मैं आ जाऊंगी, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा ना मैं वैसे ही तेरे साथ खेलने के लिए आ जाऊंगी, तू जा। दर्शिका तू इतनी अच्छी है ना कि तुझे किसी में कोई बुराई ही दिखाई नहीं देती, ठीक है मैं जा रही हूँ खेलने। माँ मुझे भूख लगी है, मैं खाना ले लूँ? भूख लगी है तुझे? चल मैं देती हूँ खाना, मेरी किचन में नहीं घुसना। ये ले, पहले प्लेट पकड़ ले, रोटी ले ले, और ये ले सब्जी। मम्मा, दर्शिका को ऐसे खाना क्यों दे रही हो, जैसे वो कोई भिखारी है, उसे अंदर क्यों नहीं आने देती हो? खाना दे रही हूँ, इतना ही काफी है, मेरी किचन में घुसने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मिस्टी, तू माँ से लड़ मत,
माँ मुझे जैसे भी खाना देंगी मैं खा लूंगी, मुझे तो खाने खाने से मतलब है। दर्शिका तू बहुत बोली है, तू माँ से बहुत प्यार करती है, माँ तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। चल मेरी गाड़ी चुक चुक चुक, चल मेरी गाड़ी चुक चुक चुक। मिस्टी ये क्या है, तुम चाकू के साथ खेल रही हो? चाकू कोई खेलने की चीज है? तुम्हें लग जाएगी, लाओ दो मुझे। अरे मम्मा मैं नहीं दूंगी, मैं खेल रही हूँ इससे, ये मेरी गाड़ी है। अरे तू पागल हो गई है क्या, तुझे लग जाएगी, मम्मा मांग रही है तो दे देना उसे। दर्शिका मैं नहीं दूंगी इसे, मैंने बोला ना ये मेरी गाड़ी है। ऐसे तो ये नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। A few moments later. मिस्टी को सही सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। मिस्टी 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 तुझे पता है मम्मा को बहुत जोर से लग गई, उनका हाथ चाकू से कट गया। मम्मा का हाथ कट गया। मम्मा आपका हाथ कैसे कट गया? हाँ मिस्टी देखो मुझे कितनी जोर से लग गई, मैं इस चाकू से सब्जी काट रही थी और मेरा हाथ कट गया। सॉरी मम्मा, अब मैं चाकू से नहीं खेलूंगी, इस चाकू को आप रख लो मम्मा। हाँ हाँ लाओ दो मुझे। मिस्टी आगे से याद रखना, बच्चों को कभी भी ऐसी चीजों से नहीं खेलना चाहिए। दर्शिका तुझे पता है आज हम सब लाडो दीदी के यहाँ जा रहे हैं। मिस्टी लाडो के यहाँ सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, ये नहीं जाएगी लाडो के यहाँ। मम्मा दर्शिका को भी ले चलो ना लाडो के यहाँ पे, वो भी खेल लेगी, आप हमेशा अकेली जाती हो। मिस्टी ज्यादा मुँह चलाया ना तो तुम्हें भी लेकर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं दर्शिका, एक काम कर तू मेरे टॉय रख ले, इनसे तू खेल लेना। थैंक यू मिस्टी, तू बहुत प्यारी है, अब तू जल्दी से जा वरना मम्मा डांटेंगी। 2 hours later. दर्शिका देख मैं आ गई। मिस्टी तू आ गई, बता तूने लाडो दीदी के साथ क्या क्या मस्ती की? देख दर्शिका मैंने वहाँ पे मेहंदी लगाई और फिर मैंने लाडो दीदी के साथ बहुत सारी ड्राइंग की, एंड ड्राइंग करने के बाद हमने घोड़े से बहुत सारा खेला भी। खेलने के बाद फिर मौसी ने हमारे लिए पास्ता बनाया और हमने पास्ता खाया और उसके बाद हमने बहुत सारा डांस किया, सबने हमारा डांस भी देखा। अरे वाह मिस्टी तूने तो बहुत सारी मस्ती की है, मुझे भी एक बार लाडो दीदी से मिलना है। दर्शिका मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ एक दिन मैं तुझे लाडो दीदी से जरूर मिलवाऊंगी। दर्शिका चल ना खेलने चलते हैं, मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही हूँ। नहीं मिस्टी मुझे अपना होमवर्क करना है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, मैं नहीं जा रही हूँ खेलने के लिए। मम्मा वहाँ बर्तन माँज रही है, तू यहाँ पढ़ाई कर रही है, मैं क्या करूँ? तू खुद तो पढ़ती नहीं है और मुझे भी नहीं पढ़ने देती है। अच्छा तो तू नहीं जाएगी मेरे साथ खेलने? मैं इसे अब अच्छा सबक सिखाती हूँ। A few moments later. देख ले अभी भी नहीं जाएगी तू मेरे साथ खेलने? अरे तू जा ना। दर्शिका सोच ले अभी भी नहीं जाएगी, मैंने बोला ना मैं नहीं जाऊंगी, तो मेरा दिमाग मत खा। अरे पागल एक बार देख तो ले मेरे पास क्या है। चल चल खेलने चलते हैं। चुपचाप चल खेल ले वरना तेरे बम में लगा दूंगी इसे। हाँ हाँ चल 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 खेलने चलते हैं चल। अच्छा दोस्तों आया मजा? दर्शिका इधर आ जल्दी आ जल्दी आ। देख यहाँ पे मम्मा का कितना सारा सामान रखा है करवा चौथ का। नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगी, मम्मा ने मना किया है इसे छूने से। चल ना हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। मम्मा ने बोला था ये सारा पूजा का सामान है, इसे कोई हाथ नहीं लगाना। तू पागल है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम भी तो भगवान का ही रूप है, भगवान हमसे कुछ नहीं बोलेंगे। देख इसमें कितना सारा अच्छा अच्छा सामान है, देख इस डलिया में कितना प्यारा प्यारा सामान है, मेहंदी है बिंदी है पाउडर है और मांग भरने की भी है। हाँ ये सारा सामान बहुत सुंदर है। और ये छलनी देख कितनी सुंदर है, इसमें से मम्मा पापा का फेस देखेंगी। हे भगवान मम्मा ना आ जाए बस। दर्शिका देख ये मिट्टी का कलश कितना प्यारा और कितना सुंदर सजाया है ना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना पूजा का सामान है, कोई हाथ नहीं लगाना। माँ मैंने तो बहुत मना किया था मत छू, लेकिन मिस्टी ने इसे छू लिया। मेरी ही गलती है, मुझे तुम दोनों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, अब इसे उठाकर रख देती हूँ। अंदरों से ही तो सारा काम करवाती हूँ और हम ही भरोसे के लायक नहीं है। दर्शिका जब तेरी ड्राइंग भर जाए ना तो तू मेरी ड्राइंग भी भर देना, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है ये ड्राइंग करना। मिस्टी मैं नहीं भर पाऊंगी तेरी ड्राइंग, मेरा खुद का होमवर्क बाकी है, तू खुद कर। अच्छा तो मेरा होमवर्क नहीं करेगी तू? रुक तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ये ले मिस्टी तूने ये क्या किया, मैंने कितनी मेहनत से कितनी सुंदर ड्राइंग भरी थी। रुक और बताती हूँ मैं तुझे। मेरी ड्राइंग। हाँ बेटा। मम्मा देखो ना दर्शिका ने मेरी पूरी ड्राइंग खराब कर दी। ये क्या किया तूने दर्शिका, तुझे तो मैं अंधेरे वाले कमरे में बंद करके डालूंगी आज। माँ मैंने कोई ड्राइंग खराब नहीं की, इसने मेरी भी ड्राइंग खराब कर दी और अपनी भी ड्राइंग खराब कर ली। मैं सच बोल रही हूँ माँ, अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है ना तो देख लेना मेरे दोस्त आपको सच बता देंगे।
तू ये क्या कर रही है? तू पागल हो गई है क्या? ऑल आउट को मुंह में दे रही है। तुझे पता नहीं है ये मच्छर मारने के लिए है। इसे हम खाएंगे तो हम मर भी सकते हैं। दर्शिका तू जा यहाँ से, ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत कर। मेरी मर्जी में जो भी खाऊं तुझे क्या? तू ऐसे नहीं मानेगी, मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। माँ, दर्शिका ऑल आउट से खेल रही है और उसे मुंह में दे रही है। अच्छा ओके माँ। A few moments later. दर्शिका दर्शिका उठो बेटा, दर्शिका तुम्हें क्या हो गया, उठो। अरे ये तो मेरी मम्मा की आवाज है। मम्मा मम्मा क्या हुआ, दर्शिका को क्या हुआ? देखो ना मिस्टी, ये ऑल आउट से खेल रही थी और ऑल आउट इसने मुंह में दे दी तो ये बेहोश हो गई है। देखो उठ भी नहीं रही है। नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना ऑल आउट से। ये लो मम्मा आप रख लो। मिस्टी आगे से तो याद रखना, ऐसी चीजों से कभी नहीं खेलना, समझी? सॉरी दर्शिका। चल निकल निकल, चल मेरे घर से बाहर, और अब दिखना मत दूर दूर तक। 2 hours later. मिस्टी चलो खाना खा लो बेटा, बहुत देर हो गई। नहीं खाऊंगी मैं खाना, आप पहले मेरी बहन को वापस लाके दो मुझे, तभी खाऊंगी मैं। मिस्टी मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना कि वो लड़की अब वापस नहीं आएगी। तो आप भी सुन लो, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए, अब जाओ। ठीक है तो मरो तुम भी भूखी, वो नहीं आएगी इस घर में वापस, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी तुम? दर्शिका तू कहाँ है, वापस आ जा। दर्शिका देख कितने सारे लड्डू है, चल लड्डू खाएंगे हम दोनों मिलके। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तू खा ले जाके। मत खा, मैं तो खा लूंगी जाकर अकेले। पेट भर गया। 2 hours later. दर्शिका और मिस्टी तुम दोनों में से लड्डू किस किसने खाए, सच सच बताना। मैंने पूरा बाउल भर के फ्रिज में रखे थे, एक भी नहीं है इसमें। मम्मा मैंने तो एक भी लड्डू नहीं खाया, दर्शिका को मैंने अपनी आँखों से देखा, बहुत सारे लड्डू खा गई मम्मा ये सारे के सारे। माँ ये झूठ बोल रही है, मैंने एक भी लड्डू नहीं खाया, मैं तो बहुत देर से यहीं बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ। माँ मम्मा इसने पूरे के पूरे लड्डू खा लिए, मम्मा मुझे एक भी नहीं दिया, और मम्मा झूठ भी बोल रही है, सारे के सारे लड्डू खा गए। कप्पा कप कप। इसे तो किसी आश्रम में छोड़ देना चाहिए, वहाँ पड़ी पड़ी खाती रहेगी। लेकिन माँ मैंने लड्डू नहीं खाए दोस्तों, आप ही बताओ ना मेरी माँ को, मैंने लड्डू नहीं खाए।